अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केडी व्लॉग्स। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की समोसा रेसिपी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए गाजर, कैबेज, कैप्सिकम, 3 सब्जियाँ, और इसके अलावा बॉयल्ड चिकन और मैक्रोनी जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। इन सब को जो है वो कटिंग के बाद, और चिकन और इसको मैक्रोनी को बॉयल कर लिया है मैंने। और इसके बाद क्या करना है कि आपने लेना है एक पैन, और उसमें बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने तो लहसुन डालना है। लहसुन के साथ ही, लहसुन को फ्राई करने के साथ ही इसमें मैंने वन बाय वन सभी तीनों सब्जियों को जो है वो ऐड करना है। अब मैंने सबसे पहले ऐड किया है गाजर को, और इसकी कटिंग और आप पे डिपेंड करती है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है। अब मैं इसलिए ऐसी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो है वो खानी आसान रहती है। हम तो हर तरह से खा ही लेते हैं, स्टर फ्राई भी खा लेते हैं और ये वो, लेकिन मैं ज़्यादा फ्राई करती हूँ ताकि ये अच्छा गल जाए और बच्चों को खाने में जो है वो बहुत आसान रहता है। कैबेज है इसमें ऐड की मैंने, और उसके बाद मैंने जो था वो फिर शिमला मिर्च ऐड की है, और फिर शिमला मिर्च को भी फ्राई करने के बाद जो है वो इसमें ऐड करनी है मैक्रोनी, जो कि इस समोसे की बेसिक जो है ना वो इंग्रेडिएंट है। और इसमें आपने जो है वो पास्ता, आप किसी तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैक्रोनी को ऐड करने के बाद मैंने अब इसमें डालने हैं मसाले। मसालों में डालना है नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, इसके अलावा सोया सॉस, वो भी आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए और जिस तरह से भी। इसके बाद आप समोसा बनाएं अपनी। समोसा पट्टी जो है ये मैंने रेडीमेड है, और इसमें आप किसी भी शेप का, जो भी आपको पसंद है, आप समोसा बना सकते हैं। और ज़्यादा फिलिंग, कम फिलिंग, वो भी आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है। हमें ज़्यादा फिलिंग के साथ अच्छे लगते हैं तो मैंने ज़्यादा फिलिंग की है। करना आपने इनको डीप फ्राई है, लेकिन मेरा सामान जो था वो बिल्कुल फ्रेश था, अभी बॉयल हुआ था, तो मैंने जस्ट इन्हें पैन में जो था ना वो फ्राई कर लिया। और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार की शान है समोसा रेसिपीज़, और बहुत ही इजी है। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।